और ब्रेकिंग न्यूज में अब भारी है गहलोत केस की, जैसे कि हमने बताया मैडम। हाँ, बारिश की वजह से ट्रैफिक ज्यादा है सर। ये फायर डिपार्टमेंट नहीं, आपने गलत नंबर डायल किया। राजेश गहलोत केस ने दी है एक नई करवट। कल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और आज अचानक उन्हें बेल मिल गई। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि राजेश गहलोत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के इस बयान पर लोगों ने काफी आपत्ति उठाई है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ईमेल्स जो मिले हैं राजेश गहलोत के कंप्यूटर से। पुलिस ने भले ही राजेश गहलोत को क्लीन चिट दे दिया हो, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने एक नया खुलासा किया है। पुलिस भी यही, कोर्ट भी यही, जज भी यही। अरे तू आ गया, देख रहे हैं ना, मीडिया वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग इधर झक मरने के लिए बैठे। और तू कैसे आ गया? मेरे को लगा डांडी मारेगा। मरनी चाहिए थी शायद, डूबने वाला है। लकी है कि तू पास में रहता है। हाँ, क्या लकी, घर पास है तो बाकी काम चोरों की तरह बांध भी नहीं बना सकता ना। हेलो, फोन क्यों नहीं उठाते हो निखिल? नहीं, वो साइलेंट मोड पे था और ड्राइव कर रहा था। किसी दिन एक्सीडेंट हो गया ना मेरा, तो तुम्हें फोन करने का कोई मतलब ही नहीं है। मरने के बाद पहुंचोगे तुम? बीवी बच्चों की भी कोई इमरजेंसी हो सकती है निखिल। सॉरी बाबा, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ निखिल, तुम बात करो प्लीज ध्रुव से। अब उसने क्या किया? मैं बात करी थी उससे, बीच में उठा, दरवाजा खोल के निकल गया। कहाँ गया? और कहा, अपने दोस्तों के पास। पैसे मांग रहा था मुझसे, मैंने मना कर दिया तो लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना शुरू हो गया उसका। सर पे चढ़ा रखा है तुमने उसे। पढ़ाई लिखाई की बात करो तो कहता है कि मुझे इस घर से नफरत हो गई है। उल्टे सीधे जवाब, कह रहा था कि मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है निखिल, क्या हो रहा है। प्रेरणा यार, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। नहीं निखिल, मुझे ये नॉर्मल नहीं लगता है। मैं माँ हूँ उसकी, अगर मैं उसे मना कर रही थी तो वो रुक सकता था। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह वो फिर से। तुम फिर पुरानी बात लेके बैठ गई। मैं बहुत डरी हुई हूँ निखिल, कहीं दोबारा उसने ये सब कुछ शुरू कर दिया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर उसने तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाई है, और मैंने कितना डराया था उसे। और तुम्हें लगता है वो डर गया? तो मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ करके घर पे बैठ जाऊं, उसकी जासूसी करता रहूं? कुछ भी मत करो निखिल, तुम कुछ भी मत करो, मैं भी नहीं करती। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जो होगा देखी जाए, ठीक है? बीबी, सबका यही हाल है, कोई नहीं जीते उनसे आज तक। मैडम थोड़ा धीरे बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप धीरे से सांस लो। मैडम मैडम, मैं करती हूँ करती हूँ। अरे सूट सर ट्रांसफरिंग। कोई औरत है सर, जोर जोर से रो रही है। तो बात करो। ट्राई कर रही हूँ सर, लेकिन रोना बंद ही नहीं करती और बोलती मुझसे बात नहीं करी। ठीक, ट्रांसफर करो। मैडम शांत हो जाइए, ट्रांसफर कर रही हूँ। सुसाइड लगता है, हालत बेकार लग रही है। हेलो पुलिस इमरजेंसी, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो मैडम, मैडम क्या हुआ? मैं बस मरना चाहती हूँ। मैडम प्लीज अपना नाम और गाड़ी का नंबर बताइए। मैडम मुझे आपका नाम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए मैडम प्लीज, नहीं तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैडम कोई हेल्प नहीं कर सकता आप। नहीं, आई अंडरस्टैंड आप क्या फील कर रही हैं इस समय, लेकिन झूठ
जी सॉरी, झूठ बोल रहे हो बिल्कुल उस पहली मिलेडी ऑफिसर की तरह। ट्रेनिंग में सिखाया था ना ऐसे बोलना। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, कोई नहीं समझ सकता, बस मशीन की तरह सब यही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं सब। मैडम क्या आप अपनी गाड़ी का कलर और ब्रांड बता सकती हैं? कॉल रिकॉर्ड हो रहा है? सारे इमरजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं मैडम। वेस्ट ऑफ टाइम है, इस कॉल को रिकॉर्ड करना ट्रेस करना वेस्ट ऑफ टाइम है। बचने के लिए कॉल नहीं किया मैंने, मुझे बस मरना है। आप ड्रिंक कर रही है मैडम? महीनों से प्लान कर रही थी, दो बार पहले ट्राई भी करने वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे हिम्मत नहीं हुई, तो सोचा आज शायद विस्की हेल्प करेगी। कहते हैं ना पीने से हिम्मत बढ़ती है और दर्द भी कम होता है। मैडम आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बताइए। नाम क्या है तुम्हारा? सॉरी सॉरी, तुम कह सकती हो ना? हमें अपना नाम देना अलाउड नहीं मैडम, रूल्स है। रूल जिंदा लोगों के लिए होते हैं, मैं तो मरने वाली हूँ, आखिरी इंसान हूँ जिससे बात कर रही हूँ तो। I'm sorry मैडम, मैं नहीं दे सकता नाम। तो मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। मैडम देखिए मैं नहीं दे सकता। रुकिए मैडम, निखिल सीनियर पीआई निखिल सूद। सीनियर पीआई निखिल सूद, बड़ा ऑफिशियल सा नाम है। सिर्फ निखिल चलेगा? हाँ चलेगा। वो क्या है ना, नाम देने से ना अजनबी आवाज को पहचान मिल जाती है। निखिल जी। निखिल क्या तुम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हो? हाँ कह सकते हैं। कभी रिश्वत नहीं ली? नहीं। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं था? नहीं मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। बुरा लगा, सॉरी। अगले शहर में इतने करप्ट ऑफिसर हैं कि पूछना पड़ता है। मेरी एक थ्योरी है, नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला ही जब उस पर जुल्म करने लगे तो उसकी सजा नॉर्मल क्रिमिनल से कहीं ज्यादा होनी चाहिए, है ना? हाँ लेकिन केस पे डिपेंड करता है मैडम। तो मैरिड हो निखिल? अब हाँ। बच्चे? एक बेटा है। उम्र? 18। अच्छा लड़का है तुम्हारा बेटा? हाँ। तुम्हें कैसे पता? जी सॉरी, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बेटा अच्छा है? आजकल तो कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कोई क्या देख रहा है, इंटरनेट पे क्या कर रहा है, तुम्हारी पीठ पीछे किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है, क्या पता? मैं अपने बेटे को जानता हूं मैडम। बेटे को खोने का गम भी जानते हो निखिल? मैं जानती हूं, मैंने खोया है अपना बेटा, बहुत अच्छा बेटा था मेरा, स्ट्रॉन्ग, दिल का सच्चा, पढ़ाई में बेस्ट। नॉर्मली बेटे उस उम्र में माँ बाप को बहुत तंग करते हैं लेकिन मेरा अमर ऐसा नहीं था, पूरी जिंदगी पड़ी थी उसके आगे। अब कुछ नहीं, चला गया, बस चला गया। सॉरी, अब आई एम वेरी सॉरी मैडम। मुझे लगा वक्त के साथ दर्द कम होगा लेकिन नहीं, और ज्यादा बढ़ गया, जैसे
मेरा एक हिस्सा पूरी तरह से कट गया हो मुझसे, लेकिन किसी और को नजर नहीं आता। तुम नहीं जानते वो फीलिंग। बच्चे के बगैर हर दिन निकालना। मैडम, वो अमर कैसे? एक्सीडेंट 1 साल पहले। ए आंटी, गाड़ी देख के चलाओ। बास्टर्ड। मैडम, मैडम आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज गाड़ी साइड पे रोक दीजिए। आप ड्रिंक भी कर रही हैं, किसी और की जान जा सकती है। मैडम, मैं 15 मिनट में डिस्पैच यूनिट भेजता हूँ, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और डॉक्टर वहाँ पे आपकी मदद करेंगे। मैडम आप सुन रही हैं? आप मैडम, मेरे हस्बैंड ले गए थे मुझे डॉक्टर्स के पास। उन्होंने कहा मैं डिप्रेस्ड हूँ, गुस्सा हूँ। एक बात बोलूँ निखिल, किसी और को नहीं बताया? जी। सिर्फ डिप्रेशन और गुस्सा नहीं है मुझ में, कुछ और भी है जिससे डर लगता है। क्या? एक आवाज बार बार सुनाई देती है और वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही है। बताती रहती है कि मुझे क्या करना है, कहती है कि उसकी बात सुनूंगी तो मेरा दर्द चला जाएगा। क्या करने को कहती है ये आवाज? कि शायद मुझे अपने आप को नहीं मारना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए जो इस दर्द की वजह है। क्या? तुम्हें क्या लगता है निखिल, सही कह रही है वो आवाज? मुझे किसी और को मारना चाहिए अपनी जगह, उससे दर्द कम हो जाएगा। मैडम, आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। अगर आपको मरना मारना ही है तो 100 नंबर क्यों डायल किया? क्योंकि नहीं, मैं बताता हूँ मैडम, जब लोग 100 नंबर डायल करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनके दिल में उम्मीद होती है मदद की, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जिंदगी से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है मैडम, बहुत खूबसूरती है इसमें। अगर आप देखना चाहो तो इस वक्त अगर आपने अपने आप को मार दिया या किसी और को मारा तो आपके साथ आपकी बची हुई फैमिली का ही नुकसान होगा मैडम। शट अप। नहीं, मैं सच में, आप अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए, फैमिली के बारे में। अमर की डेथ का सदमा काफी नहीं है मैडम, जो आप अभी ये बोझ डाल रहे हैं उन पे, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है मैडम आप? तुम इस से बात नहीं कर सकते मुझसे। सही कह रहा हूँ, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं मैडम, इस वक्त खुदगर्ज़ हैं आप। स्टॉप। गाड़ी साइड पे लीजिए मैडम। मैडम प्लीज रुक जाइए, गाड़ी साइड। मैडम क्या काट दिया? अभी औरत लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा तो यही होगा, इसलिए हमेशा सुनने का बोलने का नहीं। चुप रहे। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो ध्रुव, हेलो। हाँ हेलो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है ध्रुव? हाँ हाँ पापा। तू है कहाँ? नहीं दोस्त के, हेलो दोस्त के यहाँ हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, बाहर निकल के बात कर। हाँ हाँ एक सेकेंड। अब पापा मम्मा ने कहा आपको कॉल करने के लिए। तुम दोनों की लड़ाई हुई?
तेरी प्रॉब्लम क्या है ध्रुव? वो तुझसे बात कर रही थी और तू बीच में छोड़ के निकल गया घर से। उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, बताया आपको? Didn't think so. वो क्या करती है वो तो आपको बताती नहीं, बस मेरे बारे में कंप्लेन करती रहती है। ध्रुव बच्चा नहीं हूं मैं, 18 साल का हूं, she slapped me. वो भी क्यों? Because मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग करना चाहता। I hate her, पापा। ध्रुव वो माँ है तेरी। वही तो प्रॉब्लम है ना, आई विश कि वो बस शट अप। बिल्कुल आगे एक लफ्ज नहीं। अब हमेशा उनकी साइड क्यों लेते हो? हाँ और क्यों नहीं लूं? पिछले साल जो हुआ ध्रुव उसके बाद तुझे जेल में होना चाहिए था। यू आर लकी। और ध्रुव मैं और तेरी माँ तेरी बहुत फिक्र करते हैं बेटा, और जो भी बोलते हैं तेरे अच्छे के लिए बोलते हैं। हाँ आई नो, लेकिन एक बार गलती होगी तो क्या आप लाइफ लॉन्ग डाउट करते रहोगे? मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, बस मैंने प्रॉमिस किया है ना कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? सैटरडे नाइट था, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, मुझे घर बैठना पसंद नहीं आता, मम्मा हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ओके सुन, पार्टी कब खत्म हो रही है तेरी? आई डोंट नो। सवा 12 बज रहा है, आधे घंटे में निकलो और घर पहुंचो। चाबी है? ध्रुव कुछ कह रहा हूं मैं। हाँ है। तू घर कैसे जाएगा? टैक्सी के पैसे हैं? वो फ्रेंड्स ड्रॉप कर देंगे। ओके घर पहुंच के फोन कर। ओके ओके सुध। आपका सुसाइड डिस्पैच ऑफिसर गुलाम अहमद को भेजा था सर, अंधेरी पुलिस स्टेशन। उन्होंने एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। कनेक्ट करो। सुध सर नमस्कार, गुलाम बोल रहा हूँ। गुलाम, सुसाइड डिस्पैच का केस भेजा आपने? भेजा। कैसे हो तुम? बस सर जैसा था वैसा ही हूँ, डोमेस्टिक डिस्प्यूट सॉर्ट करके निकल रहा था। एक शराबी पति को उसकी औरत ने चाकू घोंप कर खुद को आग लगा ली। सेकंड डिग्री बर्न। एम्बुलेंस आने में 2 घंटे लग गए सर। बस शिफ्ट खत्म करके निकल रहे थे तब तक आपका डिस्पैच आ गया। क्यों जुल्म करते हो सर, हैं? इस गरीब ने क्या बिगाड़ा आपका? सॉरी यार। अरे केस ही भेजना था तो कोई सिंपल सा भेज देते, कुत्ते बिल्ली का रेस्क्यू या फिर कुछ और। सुसाइड। सुसाइड केस जल्दी निपटता है गुलाम, कूद गए तो कहानी खत्म, कुत्ते बिल्ली का रेस्क्यू रात रात भर चल सकता है। संभाल के, ये ऑफिशियल लाइन है। खैर एनीवेज, शायद ये एक्सीडेंट वाला केस आप वाली औरत का ही है, फ्लाईओवर से कॉल आया था। अंधेरी ब्रिज के ऊपर वाला? मेल की फीमेल? पता नहीं, अभी पहुंचा हूं, चेक करके बताता हूं। ठीक है। जी बस सर, ड्राइवर भी आदमी है, सीरियसली इंजर्ड। कोई औरत नहीं है, हालत खराब है। ओके आपको कोई क्रैंक कॉल आया होगा सर, शहर में पागलों की कमी नहीं है। नहीं गुलाम, रोज हैंडल करता हूँ मैं ऐसे कॉल्स। अगर ऐसा है तो फिर आपको टेंशन क्यों हो रही है? नहीं यार, मैं नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सी थी उसकी आवाज, जैसे कि कुछ तय करके निकली हो। क्या जान दे देगी? जैसे कुछ भी कर लेगी, जैसे सारे लिमिट्स क्रॉस कर लिए हो, किसी चीज की परवाह नहीं है उसे। चलिए मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। ए गुलाम, थैंक यू। गुलाम हाँ,
वो ट्रेनिंग की समझ से जानता हूँ उसे। अच्छा? हाँ, बेवड़ा था पहले। बीवी ने ऐसा फटका मारा उसे। बने दाले। क्या बात है, क्या यारे, ये संगा कुड़ेला गिना। ए नहीं रे, इतना तेल रात को नहीं, बाद में ये भूखे लोग को छोड़ेंगे नहीं। इतना तेल रात को नहीं जमता मुझे। क्या बात है सर, आज मैं आपको एक ट्राई करना पड़ेगा, प्लीज। नहीं खाओ ना सर, मस्त है, प्लीज। ये बहुत तेल है इसमें। प्लीज एक, प्लीज। अच्छा, उसने बोला तो ले लिया। ए चुप रे सर, ये आपके लिए। थैंक यू। तो पहले ले लेते हैं। सूट सर, वो सुसाइड कॉलर मिली? नहीं, डिस्पैच यूनिट ढूंढ रही है उसे। आप कैसे जानते हो उसे? मैं नहीं जानता उसे। लेकिन उसने तो आपको नाम से पूछा। मतलब? मैं उसे बात कर रही थी। हाँ। और वो जोर जोर से रो रही थी और उसने मुझे आपको फोन देने के लिए कहा नाम से। नाम से? डैडी है। लेकिन बड़ा बहुत समझे? जाग उठा देशमुख। मंगा ना, मंगा ना, चंदू से मंगा ना एक प्लेट। ए नहीं दे, ए देशमुख। अरे तू कैसे देता है? मेरे को नहीं। अरे 10 साल से पहचान रहा है मैं उसको। गोटियां खुजाने के लिए भी किसी ने हाथ में डालता है वो। लड़की है इधर, क्या बात कर रहा है? ए गलत, सबके पास ना तेरे जैसा पैसा नहीं है। वाशी में 2 फ्लैट, गांव में दुकान है सर इसका। ए क्या रे, क्या रे? अच्छा क्या एक दो तू? अरे इसके जैसे लोग स्टोरी फैलाते हैं। 2-2 फ्लैट होते मेरे तो यहाँ के झक मारने के लिए नौकरी करता मैं। नहीं, मेरी मारने के लिए, बहुत मजा आता है ना। ये बराबर बोल। अभी मार दे देश में। जी क्या तू काय को उंगली करता है उसको? अरे अभी जाके सोएगा देख। ए, आता है। ले चाय ले। हाँ बात हुई ध्रुव से? हाँ हुई। तो क्या आ रहा है वो? आधे घंटे में घर आ जाएगा। सॉरी कहा उसने? प्रेरणा तुमने थप्पड़ मारा उसे? 18 साल का है वो, ऐसे सुधरेगा थप्पड़ मार के? निखिल मुझे नहीं अच्छा लगता उसे थप्पड़ मारना, लेकिन क्या करूं मैं नहीं रोकूंगी तो कौन रोकेगा उसे, बताओ? तुम हो यहां? वैसे तुम होते कब हो? यार ये मत शुरू करो यार। सच तो कह रही हूँ निखिल, तुम घर पे होते भी हो तो तुम उसे बिगाड़ने के अलावा और क्या करते हो? तुम्हें उसकी नजरों में हीरो बनना है ना, तो मुझे विलेन बनना पड़ता है, इसीलिए मैं ये सब रोकती हूँ उसे। पर उसकी फिक्र है मुझे, अभी घर नहीं आया तो परेशान हूँ मैं उसके लिए। इंतजार कर रही हूँ मैं उसका, कब आएगा, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, ये फालतू के सीरियल देख के टाइम पास कर रही हूँ मैं। वो चाहे कुछ भी सोचे निखिल, मुझे उसकी फिक्र है। तुम्हें कभी अपनी नौकरी से फुर्सत मिले ना तो अपने बेटे को बता देना ये बात, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, सर और एक चाय दे दूं? नहीं सुन, तू मंगेश का रिश्तेदार है क्या? हाँ उसका चाचा हूँ। कहाँ है वो? वो एडमिट है डेंगू से। कौन से अस्पताल में? KEM हॉस्पिटल में, इसीलिए 8 दिन से मैं स्टॉल चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, कुछ लगा तो पता। थैंक यू सर। क्या है? वापस आके लाइन पे। कौन? वो औरत। सिगरेट पियूं? चल।
सूद, तुम्हारी बात मान ली, कुछ नहीं किया। मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? क्या? मेरे बताने से पहले आप मेरा नाम जानते थे? कैसे? अच्छा, बता दिया उसने तुम्हें, बिच। कौन है आप? कहते हैं इंसान की सही पहचान स्ट्रेस में होती है। मैंने तुम्हें स्ट्रेस दिया और तुम्हें जान गई। तो ये सब झूठ था मैडम? लेकिन फिर भी तुम मेरे काम में मेरी हेल्प करोगे। मतलब? मैंने गन खरीद ली है निखिल जी। एक्चुअली दो खरीदी है, हफ्ते भर पहले। मैडम सुनिए, मैडम मैडम गया। अरे मेरा मॉनिटर उड़ गया। अरे मॉनिटर क्या, पूरा ग्रिड उड़ गया है। मॉनिटर रूम में भी सारे फीड्स बंद हो गए हैं सर। ये बारिश सर, इसकी वजह से सारा सिस्टम डैमेज हो गया लगता है। सिर्फ यही क्या, सेंट्रल सर्वर भी गया? कौन सा, क्रॉफर्ड मार्केट वाला? फोन करके पता करना पड़ेगा। फोन लाइन ठीक है, कॉल्स आ रहा है लेकिन फीड नहीं आ रहे। यहाँ भी सर। अरे आईटी का परेश को बुलाओ ना। सर्वर रूम में होगा? नहीं सर्वर रूम में नहीं है, वहीं से आ रहा हूँ। मैं परेश को कॉल करता हूँ। हाँ सर। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ फोन नहीं उठा रहा यार, मैसेज करता हूँ इसको। अब क्या करें सर? ठीक है, अरे करेंगे क्या, फोन लाइन से मैनेज करेंगे यार। हाँ सर कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ तो फिर काम जारी रखो। ठीक है सर। हाँ हेलो, अरे वो तेरे इधर के ग्रिड चालू है क्या? देखना, अरे हमारे इधर का बंद हुआ। क्या सोच रहे सोच सर? वो औरत? हाँ यार वो कह रही थी कि उसने आज ही गन खरीदी है, आज ही यूज करने वाली है। पहले खुद मरने वाली थी, अब किसी और को मार लिए। क्या सर, बहुत पीली होगी, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, पूरा ग्रिड डाउन है। क्रॉफर्ड मार्केट वाला कंट्रोल रूम ठीक चल रहा है और बाकी की भी, सिर्फ हमारा ही डाउन है और परेश के आने तक तो कुछ नहीं हो सकता। चल तुम लोग काम पे लग जाओ। ओके ठीक है सर। ओके चलो सर। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ बाबा। निकले कि नहीं तुम वहां से? निकल रहा हूं अभी के अभी ध्रुव। मेरा दोस्त मुझे ड्रॉप कर रहा है, जब वो निकलेगा तब मैं निकल लूंगा। इसलिए मैं तुमसे पूछा कि टैक्सी के पैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास। अगर वो नहीं निकल रहा है तो अभी टैक्सी लो और घर पहुंचो। 20 मिनट के अंदर तुम घर नहीं पहुंचे ना ध्रुव तो देख लेना। पापा आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग ऑन दिस। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। निकलो वहां से। नाइक का कॉल आया, सिस्टम डाउन है तुम लोगों के? हाँ यार बारिश। अच्छा सुनो, मुझे सीडीआर और एसडीआर चाहिए एक नंबर का। ओके नंबर बोल। 9819258600। ओके कॉल लोकेशन? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी ब्रिज के पास, लास्ट लोकेशन यही था।
मूविंग साउथ और नॉर्थ? साउथ। कॉल टाइम? 10 मिनट पहले, अराउंड 1 बजे के आसपास। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। और तो इतना टाइम लगेगा? हैवी रेंज की वजह से सेल साइट्स अफेक्ट हुए हैं। मेरा आदमी कमलेश इस वक्त नेटवर्क रिपेयर काम कर रहा होगा। बारिश होते ही ना हमेशा हाइपर हो जाता है वो। अब थोड़ा टाइम दे, उससे पता करता हूँ। अर्जेंट है क्या? उस औरत के पास गन है मूर्ति। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं पता करके कॉल बैक करता हूँ। ओके, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू। चलो, आ गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। जी, ये ध्रुव सूद का घर है? जी बताइए, मैं उसकी माँ हूँ। ध्रुव और मेरा बेटा फ्रेंड्स हैं, तो सोचा आमने सामने बैठ के बात कर लो। किस बारे में? अंदर आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। डॉग से डर लगता है मुझे तो। मैं बांध देती हूँ उसे। रॉकी आ जाओ, बच्चे आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये काटता नहीं है किसी को, लेकिन किसी भी नए इंसान को देखता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। सिट 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 सिट, काम डाउन काम डाउन, बैठो। थैंक यू। इस तरफ है। बैठे। आपने कहा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो मेरा बेटा ध्रुव, वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? एक्चुअली शायद है। क्या क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या ये ध्रुव है ना? आपने कहा आपका बेटा ध्रुव का दोस्त है, आप जानते नहीं हैं इसे? ऐसा कहा मैंने? एग्जैक्टली दोनों फ्रेंड्स नहीं है। मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं ना आप तीनों इन फोटोग्राफ्स में। हैप्पी फैमिली। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहने आई हैं यहाँ पे। मेरे घर में भी ऐसी एक फोटो है मेरे बेटे की। अब उस पर चंदन का हार चढ़ा हुआ है। आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ध्रुव सेफ तो है ना? सोचती थी कैसा होगा तुम्हारा घर, कैसी होगी तुम्हारी लाइफ। जैसी सोचती थी वैसी ही निकली। बहुत सुंदर है तुम्हारा घर। कौन है आप? क्यों आई है यहाँ पे? बताती हूँ, आप जरा अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। नाइटी में बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। We are going for a drive. What? एक मिनट। आप जो कोई भी है, इसी वक्त आप मेरे घर से निकल जाइए प्लीज, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाने से कोई फायदा नहीं, पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपके हस्बैंड से बात कर चुकी हूँ। आप जाइए, कपड़े बदल लीजिए। Go. Please, please, please.
लाइन आहे अजून कुठे बराच वेळ लागला मला काय मस्करी करायला ते काम आहे काय बोलतो निखिल ड्युटी पे हो हो नाटकं आहे साहेब नाईट शिफ्ट सॉरी टू डिस्टर्ब हा नाही क्या हुआ सर प्रॉब्लम हाँ बहुत टाइम से तुम्हारा रॉकी रो रहा है लगता है दर्द में है इसीलिए फोन किया सब ठीक है ना आप प्रेरणा घर पे है उसको शायद नहीं मुझे नहीं लग रहा है वो घर पे है दरवाजा भी खुला है दरवाजा खुला है हाँ और टीवी भी ऑन है अच्छा आप प्लीज जाके देखो ना नारकनी साहब हाँ मैं देखता हूँ तुम फोन मत काटना लाइन पर रहो मैं देखता हूँ निखिल रॉकी को तो चोट लगा है खून बह रहा है क्या मतलब लगता है किसी ने उसे मारा है किसी भारी चीज से एक मिनट मैं दिखाता हूँ तुमको नाटक साहब वो प्रेरणा घर में कोई नहीं है निखिल वॉचमैन से पूछो प्लीज पूछो ना प्लीज ऑफ कोर्स एक 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 सेकंड वो प्रेरणा का फोन आ रहा है मैं आपको कॉल करता हूँ नाटक साहब ओके प्रेरणा ये वो क्या रहा है यार हेलो प्रेरणा निखिल मेरी बात सुनो रॉकी को चोट लगी तुम हो कहां पे कहां हो तुम निखिल पहले तुम मेरी बात सुनो ध्रुव के बारे में मेरा शक सही था निखिल उसने फिर से वही सब शुरू कर दिया है वो फिर से ड्रग्स बेचने लगा है निखिल तुम्हें कैसे पता वो नहाने गया था तो उसके फोन पे मैसेज आया मैंने खुद देखा निखिल किसी मुश्ताक का था ड्रग्स की डिलीवरीज के बारे में मैंने पूछा तो कहने लगा कि वो लोग कॉल करते हैं मैसेज करते हैं लेकिन मैं जवाब नहीं देता लेकिन वो झूठ बोल रहा है निखिल तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बिकॉज ही बेग्ड मी ही डिडंट वांट टू हर्ट यू इसलिए कहा कि मामा पापा को मत बताना तुमसे बहुत डरता है वो मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो उन लोगों को जवाब नहीं देगा कहो तो मैं प्रेरणा साथ में कोई है निखिल मैं हूं निखिल कौन रिमेंबर मी तुम्हारी बीवी मेरे साथ है इसलिए कुछ स्टुपिड मत करना और जो कुछ भी उसने तुम्हें अभी बताया है उसके बारे में सोचो देखिए अभी मैं तुमको ही कॉल करने वाला था एसडीआर मिल गया है हाँ सिम जो है वो किसी सीमा पालव के नाम पर रजिस्टर्ड है एड्रेस नोट कर सेंटा क्रूज वेस्ट गुलमोर अपार्टमेंट सी विंग फोर्थ फ्लोर पैन नंबर AA FPL 89183L सिम 2018 में रजिस्टर किया अब उसका कॉल डेटा रिपोर्ट ना मैं कुछ देर में भेजता हूँ थैंक यू मुरली थैंक यू
सीमा पालो स्मार्ट यस सीमा पालव अमर पालव मॉम वही अमर पालव जो यश मेहरा के हिट एंड रन एक्सीडेंट में मारा गया यश मेहरा को पहचानते हो ना उसका बाप गौतम मेहरा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया जिसने पैसे खिला के केस क्लोज करवा दिया था यश उस दिन कोकेन के नशे में गाड़ी चला रहा था और वो कोकेन तुम्हारे बेटे ध्रुव ने उसे सप्लाई की थी हेलो हेलो निखिल निखिल सीमा देखो I'm really, really sorry जो तुम्हारे बेटे के साथ हुआ बहुत दुख है मुझे लेकिन प्रेरणा को तकलीफ देख के तुम्हें क्या मिलेगा उसका क्या कसूर है वो तो बेचारी इनोसेंट है इनोसेंट क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना भी क्राइम है तुम्हारी ट्रेनिंग में ये सब नहीं सिखाती निखिल नहीं नहीं मतलब प्रेरणा भी तुम्हारी तरह एक माँ है सीमा मेरी तरह नहीं वो एक क्रिमिनल की माँ है और उसे सजा मिलेगी और ध्रुव को भी प्लीज ध्रुव को कुछ मत करो नो प्लीज नो 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 डोंट हिट हर प्लीज प्लीज सीमा सीमा मेरी बात सुनो डोंट वरी मैं तुम्हारी डार्लिंग वाइफ को मारूंगी नहीं क्योंकि मुझे फिलहाल उसकी जरूरत है सीमा क्या चाहिए तुम्हें जस्टिस अमर के लिए इंसाफ आज सैटरडे नाइट है ना पार्टी नाइट जस्ट लाइक लास्ट ईयर ध्रुव आज फिर जा रहा है यश को कोकेन सप्लाई करने तांडव क्लब में पाली हिल सीमा अगर ध्रुव फिर से ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा माफी मांगूंगा उसे उसे मैं अब और आई प्रॉमिस यू वहां किसी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा आई नो वो ऐसे कर भी नहीं सकेगा आई नो दैट मैं कर रही हूं ना उसे हैंडल तुम अभी ध्रुव को फोन करोगे और उसे कहोगे कि यश को तांडव से बाहर पार्किंग लॉट में लेकर आए बिना बॉडीगार्ड्स के आई नीड हिम अलोन बाकी की डिटेल्स बाद में और तुम कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकलोगे अगर मैंने कॉल किया और तुम कंट्रोल रूम में नहीं मिले तो प्रेरणा विल डाई और अगर तुमने अपने फ्रेंड्स पुलिस वालों को मुझे ट्रैप करने के लिए भेजा तो भी प्रेरणा विल डाई अंडरस्टैंड हाँ बाबा कहाँ है ध्रुव ट्रैफिक में वो टाइम लगेगा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तेरी मामा ने सब कुछ बता दिया मुझे मुझे पता नहीं मामा ने क्या बोला है लेकिन मैं मुझे सब पता है ध्रुव तूने प्रॉमिस किया था ना मुझे फिर भी पापा कुछ मत बोल कुछ नहीं तू नहीं जानता कि तूने क्या किया है ध्रुव तेरे वजह से तेरी मम्मा को क्या हुआ अभी बिल्कुल वक्त नहीं है इसे बताने का पापा प्लीज बताओ क्या हुआ मम्मा को मैंने कहा ना टाइम नहीं है कहा ना मैंने
तू तांडव जा रहा है यश मेहरा से मिलने? नहीं वो मैं हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो बस वहां जाके यश को बोल कि पार्किंग लॉट में आए अकेले, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं, और बोलना कि पैकेट वहीं से आके ले वो। अबा मम्मा को क्या हुआ? उसे किडनैप किया गया। सीमा पालोव याद है, जिसका बेटा यश मेहरा के हिट एंड रन केस में मारा गया था। यश मेहरा जिसे उस रात ड्रग्स में, हाँ तूने दिया था। कुछ होगा तो नहीं ना मम्मा को? पता नहीं मुझे। पता नहीं का क्या मतलब है? आप कुछ तो करोगे ना, पुलिस में? बाहर में गई पुलिस। तू ड्रग्स डील करता है, पुलिस बुलाऊं मैं? और उस औरत ने कहा है कि अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया तो तेरी मां की जान खत्म। पुलिस ध्रुव, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। I'm very sorry, बाबा, I'm extremely sorry. ये वक्त नहीं है अभी इमोशन का। बकवास आदमी, ब्रेन्स यूज करेंगे तो कुछ कर पाएंगे। ओके पापा, मेरे साथ नजीब भी है, वो मेरे साथ डिलीवरीज करता है, उसका क्या करूं? ना 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 ना, नजीब को तो पता भी नहीं चलना चाहिए। तू कैसे भी करके अकेले वहां से निकल और तांडव पहुंच के मुझे फोन कर। ओके ओके बाबा। क्या हुआ? कुछ नहीं, फोफड़ा तो ऐसे सोचा जैसे गर्लफ्रेंड का सेक्स टेप देखा हो। हां नहीं, वो पापा का फोन था। अरे ये पुलिस वाले बाप का यही चलोचा है। चल अब टिन डिलीवरी और मारने का अपने को। क्या हुआ? कुछ नहीं, चेहरे पे 12 बजे हुए तेरे। मेरे चेहरे से ज्यादा काम पे ध्यान देना, घर देश का भला हो जाएगा। अरे भड़क तक आई को टेंशन में दिखा, इसलिए पूछो ना। हाँ ठीक है, काम करना। पैसा मिला क्या? हाँ थोड़ा मचमच कर रहा था लेकिन दे दिया। एक नंबर, वरना हमेशा बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ कि कव्वाली गाते रहते हैं। मुश्ताक भैया क्लियर ऑर्डर है, इस बार से क्रेडिट बिल्कुल नहीं। मतलब जो फुकट चंदी के लोग हैं ना, इन लोगों को अपने को अवॉइड करने का है क्या? हाँ समझा ना। भाई हाँ भाई हाँ ओके भाई हाँ समझ गया। हाँ मैं आता हूँ, ध्रुव को जू भेजता हूँ। हाँ ओके। सुन वो रंजीत कपूर राड़ा कर रहा है, 10 बार से कॉल करके दिमाग खा चुका है अब तक। तो तू एक काम कर, तू उसको जाके माल पहुँचा, मैं तांडव जाके यश की डिलीवरी संभाल। अरे लेकिन क्यों, अपन दोनों जाते हैं ना, आधे घंटे में दोनों डिलीवरी हो जाएगा। अबे तेरे को ये एक्टर लोग का चुचला पता नहीं है, इनको जब भी कुछ चाहता है तभी चाहता है, माल खत्म हो गया साले का। बैठ बैठ। हेलो सर, परेश कहाँ है तू? सर्वर रूम सर।
आ जाओ। सर तेरा फोन क्यों ऑफ था? वो मेट्रो में था सर, नेटवर्क गया होगा वहां पे। बरसात की वजह से सब जगह यही हाल है। मेरा घर का इंटरनेट भी दिवाली की लाइट की तरह कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ये फीड गया हुआ है, ठीक कर सकता है जल्दी? ए जल्दी का मतलब मालूम नहीं तेरे, जल्दी कर। सर ये मेन वायर तो कटा है। गिव मी अ मिनट सर। सर ये लेकिन बरसात से तो नहीं हुआ है, लगता है चूहे ने काटा है। इतनी सफाई से? ठीक है जल्दी। इस वायर का तो कुछ नहीं हो सकता सर, अब नया वायर ऑर्डर करना पड़ेगा। मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता? अभी तो परेश तेरे को बोला था ना कि अर्जेंट है, किसी की जान जा सकती है। सर मेन वायर कटा है, क्या कर सकता हूँ? जान जा सकती है। ओके सर मैं हाँ लेकिन लेकिन क्या सर? रूल के अगेंस्ट है पर आप बात को घुमा मत, बहुत जल्दी। सर नेटवर्क हैक हो सकता है मेरे लैपटॉप से। तो पुलिस का नेटवर्क हैक कर सकता है? यस। पहले किया है? सर पर्सनल रीजन के लिए। पर्सनल? सर वो गर्लफ्रेंड पे जासूसी किया था एक बार, पुराने वाले बॉयफ्रेंड से मिलती थी सर, वो बस चेक किया था एक बार फिर। तो पुलिस डिपार्टमेंट के 30 करोड़ का टेक्स सर्वेलेंस इक्विपमेंट अपने गर्लफ्रेंड पे डिटेक्टिव गिरी के लिए यूज किया? सॉरी तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। एक अब वो पाली हिल पे जो तांडव क्लब है तो उसके बेसमेंट के पार्किंग लॉट का फीड हैक कर सकता है? कर सकता हूँ सर लेकिन इमरजेंसी रूम में सबके सामने करूंगा तो पता चल जाएगा। आपको अपने लैपटॉप से दूं कॉन्फ्रेंस रूम में, वहां कोई नहीं है। जल्दी जल्दी। ए कितनी देर में? 2-3 मिनट। जल्दी के अंदर का कैमरा फीड कनेक्ट कर सकते हैं? सर पुलिस ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बाकी प्राइवेसी लॉस तो आपको पता ही है, उसके लिए तांडव से रिटर्न परमिशन लगेगी सर। अच्छा और अगर गर्लफ्रेंड वहां होती अपने पुराने यार के साथ तो भी मांगता रिटर्न परमिशन? दो मिनट सर।
जी मैं तांडव ले जाता हूँ। क्या? वो यश की डिलीवरी मैं करता हूँ, तू रंजीत क्या चले जा। इसकी माँ का रिया से मिलने को इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे वो हर बार मैं ही डिलीवरी करता हूँ ना। हाँ तो तुम मुझे जाना चाहिए। क्यों? मैं जाऊंगा तो मना कर देगा? हाँ कोकेन मारना छोड़ देगा क्योंकि उसका दोस्त ध्रुव सूत नहीं आया? क्या हो गया तुझे आज? ऐसे ही बारिश से दिमाग खराब करके रखा है ऊपर से तू। चल बैठ, दिमाग का दही मत कर, जो बोला वैसा कर। बैठ। अरे बैठ। ये बैठ चो इन बुक्स साले, कहाँ जा रहे? पहुंचे पापा? प्रॉब्लम, वो किसी और को भेज रहे थे तांडव। तो मैंने बैग हाथ से छीनी और भाग गया। वो मेरे पीछे पड़ा। कौन? नजीब, उसके पास नाइफ है पापा। ओह शिट, तू इस वक्त कहाँ है? कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। बस रिलैक्स रिलैक्स ध्रुव, रिलैक्स कर दो, कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है? साला पुलिस वाले क्यों ना थे? तेरे भरोसा करना नहीं चाहिए था। मैं तो पहले बोला था उस टाइम भाई को, एक दिन साला अपने में चढ़ेगा तू। सुने नहीं मेरी बात? अबे क्या करेगा माल का, कहाँ बेचेगा? मुश्ताक भाई तेरा जीना हराम कर देंगे। अब तो तुम मरा साले। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हिलना मत। ओके अभी एक काम कर, ये नजीब का ना ध्यान भटकाना है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। ये एक छोटा सा पत्थर उठा और जोर से दूसरी तरफ मार, आवाज आनी चाहिए। तू मेरे बेटे को काटूंगा।
ध्यान से सुन और समझ, ये पुलिस वाले का बेटा है, समझा? और तुझे पता ही है कि उनका क्या होता है जो पुलिस वाले की फैमिली पे हाथ डालते हैं, माधरचोट? पूरा फोर्स तुझे ढूंढेगा, सांस नहीं लेने देगा, कौन बचाएगा तुझे? ना हम मारेंगे ना तुझे मरने देंगे, समझ गया माधरचोट? तू यही चाहता है, जिंदगी भर भागना चाहता है तू? तुम वो दो ध्रुव को बैग दे और बाइक की चाबी भी, सुन रहा है तू नजीब? सोच क्या रहा है, जा, सोचने का टाइम नहीं है तेरे पास, सुन रहा है तू? अरे लेकिन वो मुश्ताक भाई, उनको क्या बोलूंगा? हे मुश्ताक भाई को तो तू समझा लेगा कि तेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं, मेरे को कैसे समझाएगा तू नजीब? ये मेरी औलाद है। बिना उसकी तरफ देखे हुए, उससे बिना बात किए हुए बाइक की तरफ जा, चल ध्रुव, जा, जा ध्रुव। फोन ऑन करके रखना। तांडव में एंटर करने से पहले मैं फिर से बात करनी होगी, समझ गया? टाइम की वैल्यू जानते हो ना, मैंने निखिल सूर्या समझाना पड़ेगा। वो आ रहा है, तुम करने क्या वाली हो? देखते जाओ, पता चल जाएगा। लुक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सीमा, प्लीज। मेरे हस्बैंड और मैंने भी यही किया था, भीख मांगी थी पुलिस से कि कुछ करो, घंटों खड़ी रहती थी पुलिस स्टेशन के सामने, मीडिया के पास गई तो आधे डरे हुए आधे बिके हुए, सबको खरीद लिया था मेहरा ने। सबसे पहले पूछा कितने पैसे लोगे केस क्लोज करवाने के, अमर की जान की कीमत पूछ रहे थे, वो भी हमसे। फिर एक दिन जब हम घर पे नहीं थे तो घर में घुस के तोड़फोड़ की, एक और पुलिस कंप्लेंट, फिर वही खामोशी, नथिंग। इस देश में नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होने का गुनाह किया है हमने, कोई नहीं सुनता। मैं सुन रहा हूं ना, मैं सुन रहा हूं ना सीमा। तुम सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारी बीवी के सर पे गंद तनी हुई है, सुनना तो पड़ेगा। मैं प्रेरणा से बात कर रहा हूं। नो, पहले ध्रुव पहुंचेगा फिर बात होगी।
सीमा प्लीज हाँ मूर्ति, सॉरी सुध, वो कमलेश बिजी था ना इसलिए थोड़ा लेट हुआ। सीडीआर भेजा उसने, लेकिन थोड़ा अजीब है। क्या? सीमा पालव ने दो नंबर पे काफी कॉल किए हैं शाम से। एक तो तुम्हारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है और बाकी कॉल्स उसने दूसरे नंबर पे किए हैं, और तुम्हारे हर कॉल के बाद उसने उस नंबर पर कॉल किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पैरेलल कन्वर्सेशन चल रहा हो। हाँ तो दोनों कॉल सेम लोकेशन पे थे, मतलब हमारे एरिया में। नहीं, एग्जैक्ट सेम लोकेशन। तुम्हारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम निकल। Are you sure? Absolutely. इसका मतलब वो हम में से किसी से बात कर रहा है यहाँ इस ऑफिस में। इसीलिए कॉल किया सूद, इट्स वेरी ऑड। नंबर भेजो। सर ये मेन वायर तो कटा है, लगता है चूहे ने काटा है। इतनी सफाई से भेज दिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। किसका नंबर था? पता चलने से पहले ही काट दिया उसने यार। What's going on, Nikhil? I really don't know, यार। Anyway, मैंने सीमा पल्लव के पति को ढूंढ निकाला है। फोटो भी भेज रहा हूँ तुम्हारे मोबाइल पे, चेक करो। सीमा पल्लव का हस्बैंड? हाँ फोटो भेजो। नाम चंद्रकांत पल्लव। पता चला क्या? नहीं, I'll call you later, okay, मूर्ति? चंद्रकांत पालो, सीमा का हस्बैंड, अमर का बाप। यह राइट अमर फल सीमा को कुछ टाइम दे रहा था सर और उनकी वायर काट कर। आज हमारी बारी है। आज तुम पुलिस नहीं जीतो, मासूम बच्चे के मां बाप जीतो और उसकी मदद करके तुम। सूद मेरे सामने है, टाइम पे पकड़ा है उसे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है सीमा। वो हरामी यस सामने आने के बाद मुझे फोन करना। ये सब करने की जरूरत? तुम्हें कैसे पता?
तुम्हारा बेटा इस तरह मर जाता तो तुम नहीं करते? पुलिस हाथ झटक लेती तो तुम नहीं लेते बदला? अमर यश को अगर ड्रग्स देता और ध्रुव कुचला जाता तो तुम नहीं करते जो मैं आज कर रहा हूं? हाँ चुप बैठो, चुप बैठो। सच नहीं बोल पाते तो चुप रहो निखिल सूद। मेरी इंसल्ट मत करो, चुप बोल। आशी तुम सही हो, मैं भी करता। सच बोलने की हिम्मत है तुम में? बेवकूफ, वरने के बावजूद अपनी अकल लड़ा रहा है तुम्हारा पति, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न तुम्हें न तुम्हारे बेटे को। प्लीज ध्रुव को कुछ मत करना, उसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज उसे माफ कर दो। कर देती अगर उसने पिछले साल गवाही देकर अमर की मौत को इंसाफ दिलाया होता, लेकिन तुमने और निखिल ने ऐसा होने नहीं दिया, तो क्यों करो माफ? जितना गुस्सा है, जितनी नफरत है, सब मुझ पे निकालना, पर प्लीज ध्रुव को कुछ मत करना, प्लीज। एक ही बेटा है तुम्हारा? ध्रुव एक ही। अमर भी एक और बच्चे के लिए बहुत ट्राई किया हमने, पर हुआ नहीं। एक ही बेटा दिया था भगवान ने, वो भी तुम लोगों ने छीन लिया। रोज मरती हूँ ये सोच सोच के कि उस दिन अगर मैंने उसे बाहर नहीं जाने दिया होता तो शायद ये कहती तो शायद मैं, वो करती तो शायद 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 शायद। फिर एक शायद मिला जिससे मुझे सुकून मिला। अमर तो वापस नहीं आ सकता, पर मैं उसे इंसाफ तो दिला सकती हूँ, सजा तो दे सकती हूँ लोगों को। बस ये ख्याल आते ही दिल का दर्द कुछ कम हुआ। इसलिए तुम जो भी कह लो प्रेरणा, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। तुम भी माँ हो, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है मेरी पोजीशन। क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं देख रहा। नहीं, सीमा चिल्लाया क्या यहाँ पे? Is everything all right? Yeah, मैं ही चिल्लाई थी, मेरा हाथ दरवाजे में आ गया तो चिल्ला पड़ी। It's okay. लग गई होगी। Are you all right? Yeah, yeah, nothing much. I'm fine. Are you sure? Yeah. Okay. What happened? Are you okay there?
ये क्या हुआ निखिल? गलत यार, यार मुझे मुझे तांडव क्लब पहुंचना यार। पहले वहां पे तू एक काम कर, तू एरिया के सारे डिस्पैच यूनिट कॉल आउट कर और बोलना कि तांडव के अंदर कोई नहीं जाएगा, सब लोग बाहर रहेंगे, होशियार रहेंगे, ठीक है? अभी वक्त नहीं है हमारे पास, समझ गया? तुम कर क्या रहे हो निखिल? मेरा परिवार बचा ले, ये संभाल दे यार। सच में यार घर मेरी मदद कर रहे हैं, घर प्लीज संभाल। तू भी जाना होगा निखिल, निखिल प्लीज। मैं पहुंच गया। ओके, ईयरफोन कान में लगा कर मैं बताता हूँ क्या करना। तू पार्किंग लॉट में जा, वहां पे मरून कलर की एक सेडान हो रही, समझ रहा है? मैं बस पहुंच रहा हूँ, बी ब्रेव बेटे। मैं आ गया, मम्मा को जाने दो। पहले यश को लेके आओ, देखो कोई होशियारी मत दिखाना। माँ ठीक है? सुना मैं बस पहुंच रहा हूँ। वक्त कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, यश को बाहर लाना है। और कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा ना मैं पहुंच रहा हूं। लॉट में वेट कर रहा है। अच्छा भैया, और सुन, ये पैसे उसको दे दो और माल चेक करके लाओ। पापा, हाँ
मैं यही हूँ। ध्रुव, व्हाट हैपेंड टू योर फेस? वो मैं गिर गया था। स्टैश? हाँ, यश नहीं आया। वो बिजी है, मुझे भेजा। कहना मत उसको, कहना मत उसको। बोल इसको कि यश को बाहर लेके आए। 6 grand, राइट? नहीं दे सकता। क्या? नहीं दे सकता मतलब? पैसे ही रहे। ध्रुव, मुश्ताक भाई का नाम ले। वो मुश्ताक भाई ने कहा है कि सिर्फ यश को देना। अरे फक यू मुश्ताक भाई, पैसे ले और पैकेट दे। देना मत इसको, देना मत इसको। नहीं, सिर्फ यश को ही दूंगा। Are you serious? जो पैसे मैं दे रहा हूँ वो देने के लिए यश को यहाँ आना पड़ेगा। तुम जानते नहीं हो यश को, उसे गुस्सा आ गया ना तो। ए, प्लीज यश को बुला दो। फाइन एसोल। गुड ध्रुव, मैं बस पहुंच रहा हूँ। थोड़ी देर रहो, ओके? ए भाई, he didn't give the stash यार, बोला सिर्फ तेरे को देगा। What? और क्या, तेरे पैसे भी वापस कर दिए, बोला नहीं लूंगा। तो तू बोलता ना उसको। अरे बोला ना, बोला सिर्फ यश को देगा, तो मुश्ताक भाई का नाम भी लिया। ध्रुव, क्या हुआ? मुझे क्यों बोला? वो मुश्ताक भाई ने बोला था। ध्रुव, धीरे धीरे, आराम से। तू जानता है मैं कौन? फिकर नहीं, फिकर नहीं। बी स्ट्रॉन्ग ध्रुव, बी स्ट्रॉन्ग। और एक ही डीलर नहीं है पूरे शहर में, समझा? जाके बोलना उसको। ला। वो गाड़ी में। गाड़ी में क्यों? ओपन में हम पैकेट हाथ में नहीं रखना चाहता था। क्या ये सब? कौन हो तुम लोग? सब क्या हो रहा है? बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। चलो सब इधर, कम ऑन, इधर इधर। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन लेकिन मैं जानती हूं तुम्हें और तुम्हारे बाप को। मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। तुम्हारे पास या तुम्हारे बाप के पास? उसी के दम पे नाच रहे हो ना, पर अब कोई फायदा नहीं। प्लीज डाउन, डाउन नील। सिबा, रुक जा। तुम मैं बात सुनो सिबा, गन हटा। इसका मतलब तुमने चंद्रकांत को मारा? बोलो सिबा, मेरी बात सुन। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों जानते थे कि आज शाम तक नहीं बचेंगे। वैसे भी कौन सा जी रहे थे, सिर्फ अमर को इंसाफ दिलाने के लिए जिंदा थे। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि ये सही नहीं है।
देखते जाओ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती सीमा, तुम जानती हो तुम किसी की जान नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा। यही सही है, यही इंसाफ है। नहीं सीमा, ये इंसाफ नहीं है। इन लोगों ने मेरे अमर की जान ली है, यही इंसाफ है। नहीं, ये इंसाफ नहीं है सीमा, ये इंसाफ नहीं है, ये बदला है सीमा। दो गलत चीजें मिलकर सही नहीं हो सकती सीमा। तुम एक अच्छी माँ हो सीमा, एक अच्छी माँ हो। और मैं जानता हूं कि अमर जहां कहीं भी है वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ किसी की जान ले। देखो सीमा, अगर तुमने ये किया ना तो तुम्हें और इस यश मेहरा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसने ड्रग्स लिया था और तुम अपने गुस्से और दर्द को हथियार बना रही हो। इसके पास कार थी और तुम्हारे पास गन है सीमा। कोई फर्क नहीं रह जाएगा तुम दोनों में। सोचो सीमा, अगर ध्रुव की जगह अमर होता और मेरी जगह तुम होती, तुम यह करती ना सीमा? बिल्कुल नहीं करती। देखो सीमा, ये गन नीचे रख, ये गन नीचे रख, ये गन नीचे रख सीमा, सीमा ये गन नीचे रख, सीमा ये गन नीचे रख, सीमा प्लीज गन नीचे रखो। देखो सीमा, सीमा ये गन समझ, सीमा गन मेरी बात सुनो। मिस्टर मेहरा, डॉक्टर गजिया शोकी। लकी था, बुलेट वुंड डीप है बट ही विल बी फाइन। और वो दूसरा लड़का, you can go and see your child. Mr. Sood? Sure. Dhruv Sood, aapka beta hai. Haan, ji. I'm sorry. Bahut koshish ki, lekin इंटरनल हैमरेज स्टॉप नहीं कर पाए। मतलब अभी कहाँ है, मतलब ठीक तो है। We tried our level best. I'm really very sorry.
निखिल आओ, प्लीज प्लीज डोंट कम, आओ बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कैन वी टॉक? तुम्हारी फैमिली के साथ Really, very sorry. और पूरा पुलिस फोर्स तुम्हारे इस दर्द में शामिल है। Thank you. मैं एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक बाप की तरह तुमसे बात कर रहा हूं। वाइफ कैसी है? जी, बेगोश क्या है? निखिल डोंट वरी, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। इन टाइम एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। मिस्टर मेहरा को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकते हैं। यू नो बीइंग अ फादर, यश तो बच गया पर ध्रुव वो हर तरह से तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। इनफैक्ट कॉम्पनसेशन भी डिस्कस हो सकता है। कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती, इस हादसे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तुम ऐसा करो, इस केस से जुड़े सारे कॉन्वर्सेशंस और सबूत डिस्ट्रॉय कर दो। सिस्टम में जितने भी सीमा पालव की साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं सब डिस्ट्रॉय कर दो। मीडिया के हाथ कुछ नहीं लग सकता। यश के हिट एंड रन केस की तरह यह केस भी क्लोज करना होगा। इसे आगे खींचने से किसी को कोई फायदा नहीं, ना वो मेहरा को, ना तुम्हें और ना ध्रुव को। यू थिंक अबाउट इट, हम बाद में बात करेंगे। जो मेरी
रात की इमरजेंसी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स। जी सर। सेव करके दे सकता है? यस सर। जी सर, बात हो सकती है? Who's calling, sir? Senior PI, Nikhil Sood, Emergency Control Room, Mumbai. What is this regarding? एक क्राइम रिपोर्ट करनी है। Transferring, sir.